तो ये जो भगवान जी की मूर्ति है हनुमान जी की, वो हर्ष ने बनाई है। इसी से ही रिलेटेड हम लोग वर्कआउट करेंगे। आज हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं बैक और बाइसेप्स का, जो कि मेरे को सपने में आके हनुमान जी ने बताया था कि तुम्हें आज ये करना है। जिस जिनको बैक और बाइसेप इम्प्रूव करनी हो, वे वर्कआउट ज़रूर फॉलो करना और चैनल सब्सक्राइब करो, घंटा ज़रूर दबाते जाना, नोटिफिकेशन आती रहेगी। हम लोग अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं बैक एंड बाइसेप का। आज जो मेरा पार्टनर रहेगा वो यश रहेगा। लेट स्टार्ट। कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्म अप, डायनेमिक वार्म अप करेंगे, सारे जॉइंट्स को वार्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग की पहली एक्सरसाइज होगी चिनअप्स। सब लोग वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करना, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। हम लोग को चिनअप्स के 10 to 12 रेपिटेशन करने हैं। इसके हम लोग 3 से 4 सेट करेंगे। पूरे बैक को और बाइसेप को और शोल्डर्स को वार्म कर लेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज होने वाली है, वो होने वाली है डेडलिफ्ट। और हम लोग डेडलिफ्ट में करेंगे 12 to 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट। अगर पावर लगे तो 4 सेट करना, ना पावर लगे, नहीं हो पा रही है तो 3 सेट करना। डेडलिफ्ट हम लोग कैसे कर रहे हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज है। हम लोग पहली या सेकेंड एक्सरसाइज जो होती है वो कंपाउंड करते हैं, जिससे कि हम लोग की एक साथ ज़्यादा मसल चले। क्योंकि हम लोग को सिर्फ बैक के साथ, हम लोग के डेडलिफ्ट करते समय बाइसेप चलता है, ट्रैप्स चलते हैं, लोअर बैक चलती है, हैमस्ट्रिंग चलती है। हम लोग कंपाउंड एक्सरसाइज इसी तरीके से कर सकते हैं। जब भी आप डेडलिफ्ट करो, हमेशा अपनी वेट से जितना भी लगाओ, हमेशा अपनी बैक का एंगल हमेशा स्ट्रेट रखना। लोअर बैक की इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है डेडलिफ्ट करते समय। हम लोग हमेशा बहुत स्ट्रेट रखनी है अपनी बैक। एज यू कैन सी, यश बिल्कुल सही कर रहा है। जो हम लोग की थर्ड एक्सरसाइज होगी वो हम लोग की होगी क्लोज ग्रिप। एज यू कैन सी, मैंने ये वाला बार लिया हुआ है, तो जरूर आप स्ट्रेट बार भी ले सकते हो। तो हम लोग को थर्ड एक्सरसाइज जो करनी है वो होगी क्लोज ग्रिप पुली, या फिर हम लोग बोलें तो क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। और हम लोग को नीचे आके स्क्वीज करना है, ऊपर जाके पूरा स्ट्रेच करना है। फिर वही बात मैं बता दूं कि बैक करते समय बाइसेप का प्रयोग कम करना है। शुद्ध हिंदी भाषा में हम लोग को अपने बैक से ज़्यादा वर्क करना है, अपने बाइसेप से नहीं, क्योंकि बैक करते समय हम लोग के बाइसेप यूज़ होते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे पूरा स्ट्रेच, ये जो लैट्स हैं आपके, ऊपर जाते वक्त पूरे स्ट्रेच, नीचे आते वक्त कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज करना पूरा अच्छी तरीके से, रिलीज स्क्वीज रिलीज, स्लो रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट स्लो। हम लोग करने इस एक्सरसाइज के 12 से 15 रेपिटेशन मीडियम वेट में। हाई वेट लगाओगे तो बाइसेप स्टार्ट हो जाएंगे यूज होना, इसलिए हम लोग करेंगे 4 सेट करेंगे इसके 12 से 15 मॉडरेट वेट। हल्का वेट भी नहीं लगाना है और ज्यादा वेट भी नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हो यस की जो बैक है वो काफी अच्छी स्क्वीज हो रही है, देखो स्क्वीज हो रही काफी, और रिलीज भी अच्छी हो रही है। हम लोग को पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जो हम लोग की फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है सीटेड रोइंग। सीटेड रोइंग का ये वेरिएशन है, इसकी हम लोग करनी है 12 से 15 रेपिटेशन, 4 सेट करने हैं इसके हम लोग को। इसमें हम लोग को पहले स्ट्रेट बार लेना है और उसको अपनी शोल्डर विद से पकड़ना है, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी। और हम लोग पीछे आते वक्त बैक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बैक को, स्लो रिलीज करेंगे। हम लोग
लोग की बाइसेप की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, हम लोग बाइसेप की तीन एक्सरसाइज करेंगे, तीनों हेड को ट्रेन करेंगे। सो हम लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल आर्म केबल कर्ल, तो हम लोग को केबल सेट करनी है, नॉर्मल वेट पर रखना, हाई वेट भी कर सकते हो अगर ढंग से हो रही है तो। टॉप पे स्क्वीज करना है, नीचे पूरा रिलीज करना है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। सो हम लोग करना है एक हाथ से 12, दूसरे हाथ से 12, हम लोग को टोटल करने हैं 12 रेपिटेशन, तीन सेट करने हैं। सो जो हम लोग की सेकेंड एक्सरसाइज है बाइसेप की है वो है रोप से हम लोग को बाइसेप कर्ल करने हैं केबल पे लगा के। एज यू कैन सी हम लोग के हाथ पास जाएंगे और बाद में खुल जाएंगे, फिर बॉडी के पास जाएंगे और हम लोग के जो हाथ हैं वो टेढ़े की तरफ चलेंगे। टेढ़े का मतलब हम लोग इनकी तरफ चलाएंगे तो हम लोग की जो बाइसेप है लॉन्ग हेड पे काम करेगा। एज यू कैन सी लॉन्ग हेड पे काम करेगा, हम लोग को बाइसेप पूरी ऐसे चलानी है। तो इसके हम लोग करने हैं 15 रेपिटेशन के, तीन सेट करने हैं, चार सेट भी कर सकते हो अगर फील अच्छा हो रहा हो तो। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग एल्बोज़ को ऊपर नीचे नहीं करें, सिर्फ हम लोग अपने हैंड्स को ही अप डाउन करना है। एल्बोज से टक रहेंगी हम लोग की एल्बोज जो है वो टक रहेंगी यहाँ पे, और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने बाइसेप पे फोकस करना है। तो जो हम लोग की थर्ड एक्सरसाइज बाइसेप की है और लास्ट एक्सरसाइज है वो है प्रीचर कर्ल। सो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, घंटा जरूर दबाना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं आपको करके बताऊँ, या फिर आपको कोई वीक पॉइंट हो जो आपको जानना हो तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। इस एक्सरसाइज के हम लोग करने हैं 15 रेपिटेशन, चार सेट, और लास्ट सेट फेलियर कर देना, फेल जितनी हो पाए कर पाओ, 50 कर पाओ 50 कर देना, 100 कर पाओ 100 कर देना। इसमें हम लोग को अपनी मसल्स बाइसेप को पूरा एग्जॉस्ट कर देना है इस एक्सरसाइज में। तो अब हम लोग अलविदा लेते हैं और अपने जो गुरुजी हैं यानी कि हनुमान जी, मैं उनसे अब सपने में बात करूँ कि हम लोग कौन सी नई वीडियो बनानी है। सो ओवर एंड आउट, पीस और जय श्री राम।